A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other, each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. ये कैप्सूल दे रखा है, क्लियर? इस पूरे कैप्सूल का लेंथ है 14 mm और इसका जो विड्थ है दैट इज 5 mm, और इसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ। अगर डायग्राम को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, एक यहां पर मैंने हेमिस्फीयर को क्या कर दिया अलग, तो क्या दिख रहा है? बीच वाला पोर्शन सिलेंडर दिख रहा है और दोनों तरफ क्या दिख रहा है? हेमिस्फीयर। और हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां पे कौन कौन से सरफेस होंगे? एक सिलेंडर का ये वाला सरफेस होगा और हेमिस्फीयर का ये वाला सरफेस होगा। तो सिलेंडर का ये कौन सा सरफेस होता है? सीएसए। और ये हेमिस्फीयर का ये कौन सा सरफेस होता है? सीएसए। और कितने हेमिस्फीयर है? दो हेमिस्फीयर है, क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, ध्यान से देखना, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2πRh। और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², क्लियर है? अब देखो ध्यान से, देखो ये इसका डायमीटर हो गया सुरेश, इट मींस रेडियस कितना हो गया सिलेंडर का? 5/2। तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया? 5/2 हो गया। और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2, क्योंकि ये पूरा है 5, तो ये पार्ट हो जाएगा 5/2 और ये वाला भी पार्ट हो जाएगा 5/2। इसका मतलब दोनों ही पार्ट में रेडियस सेम है, रेडियस सेम है। लेकिन अब हमको सिलेंडर की हाइट की बात करना है। देखो सिलेंडर की हाइट है यहां से लेकर यहां, क्लियर है? ये आपका सिलेंडर का हाइट, क्लियर? इधर से 5/2, इधर से 5/2, दोनों तरफ से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। मतलब 14 - 5/2 - 5/2, मतलब 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9। इस सिलेंडर का हाइट कितना हो गया? 9 मिली, क्लियर है? अब हमारे पास सारी वैल्यू, बस पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय बहुत ध्यान रखना है, कॉमन वाले पार्ट को लेना है बाहर, क्लियर है? अगर मैं कहते 2πr, देखो दोनों ही केस में रेडियस तो रेडियस तो सेम होगा, तो क्या हम यहां से आर भी कॉमन ले सकते हैं? पहले क्या ले लो? 2π कॉमन ले लो, ये वाला आर और ये वाला आर दोनों रेडियस सेम होगा, या छोड़ दिए मत कॉमन लीजिए, ऐसे ऐसे ही करते हैं। रेडियस की वैल्यू रखो, सिलेंडर का रेडियस कितना है भाई? 5/2 इंटू सिलेंडर का हाइट कितना है? 9 प्लस, यहां से मैंने 2π तो कॉमन ले लिया, क्या बचा है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है सिलेंडर हेमिस्फीयर का? रेडियस 5/2, दिस विल बी 5/2 इंटू 5/2, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2 इंटू π की वैल्यू रख दिए 22/7 मल्टीप्लाई, यहां से अगर हम 5/2 कॉमन ले लो, क्लियर? यहां क्या बचेगा? 9 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी कॉमन होकर बाहर चला गया, तो यहां क्या बचेगा? 5। ऐसा इसलिए किए कि ये नंबर सेट है, कटने वाला है। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन आपका आसान करता है, इस तरीके से कॉमन लेकर करते हो, वरना इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्लियर? एंड टाइम इज मनी, पैसा बर्बाद करते हैं क्या आप लोग? वो तो करते नहीं है, बोले करना नहीं है भाई, सही है? तो यहां बचेगा 22/7 इंटू 5 9 + 5 14, देख रहे हो भाई, ये सेट है नंबर इसी पर। 5 2 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई किए तो 0 mm² इज द आंसर। गलती से भी अपने बेसिक तरीके से जाने की कोशिश नहीं, कि लगे हाँ मल्टीप्लाई करने, 5 9 = 45 / 2 5 5 = 25 * 2 = 40, उस तरीके से बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं इस पार्ट,
क्लियर, वो कभी नहीं करना आपको। ओके।